हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हुई है, जिससे कांग्रेस को अब कांग्रेस उम्मीदवार जो है उनको हरी फारूक का डर सताने लगा है। उसी के चलते भूपेश बघेल भी हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में लड्डू लिए खड़े हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। बड़ी खबर एक और सामने निकल कर आ रही है, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी, जहां 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लड्डू खाओ। 12 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह शामिल होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ा है। आपको बता दें कि बीजेपी 157 सीटों पर आगे चल रही है। 27 साल के बाद एक बार फिर से जनता ने बीजेपी पर पुनः विश्वास जताया है और बीजेपी को भारी बहुमत से जिताया है। बीजेपी की जीत पर नितिन गडकरी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी और मोदी के प्रति जनता के अटूट विश्वास की जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई, जहां 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह शामिल होंगे। हिमाचल से आई आवाज, लड्डू खाओ और खिलाओ। हिमाचल से आई आवाज, हिमाचल से आई आवाज, लड्डू खाओ और खिलाओ। दे मारा।